अगर आप लोगों को पेटीएम बैंक में अपना अकाउंट खोलना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप लोग पेटीएम बैंक में अपना खाता कैसे खोल सकते हैं और पेटीएम में अपना एटीएम कार्ड को भी, आप वर्चुअल एटीएम कार्ड को भी जनरेट कैसे कर सकते हैं, इस सब के बारे में मैं बताऊँगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आपको पहले पेटीएम में लॉगिन होना पड़ेगा। आप लोग पेटीएम में पेमेंट बैंक के में अकाउंट खोलना चाहते हैं, इसलिए आपको थोड़ा बहुत पेटीएम के बारे में जानकारी भी होगा, इसलिए आप पहले पेटीएम में लॉगिन होकर अपने होम स्क्रीन पर, पेटीएम के होम स्क्रीन पर आ जाइए और पेटीएम का अपडेट कर लीजिए, क्योंकि अपडेट पर ही पेटीएम बैंक पेटीएम पेमेंट बैंक का ऑप्शन आ रहा है। तो फिर पेटीएम में आप लॉगिन होने के बाद होम पर आइए, उसके बाद ठीक अपने ऊपर देखिए पेटीएम में पे उसके बाद लिखा है लिफाफा। ये लिफाफा भी एक नया आइकन है जिसको ऐड किया है पेटीएम ने, और उसके साइड में ही है बैंक अकाउंट। यहाँ पर ही आप लोगों को लॉगिन होना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर ही आप लोगों को पेटीएम में अकाउंट खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो लॉगिन होने के बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट जहाँ पर लिखा है वहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद बहुत ही सिंपल स्टेप है, सब लोग कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए पेटीएम पेमेंट बैंक इच्छारी, ओपन योर सेविंग अकाउंट इन टू सिंपल स्टेप एंड स्टार्ट अर्निंग इंस्टेंट। मतलब पेटीएम जो है वो आप लोगों को 4% करके, मतलब एक साल का 4% जितना भी होगा, एक महीने का जितना भी हो रहा है उसको डिवाइड करके वो आप लोगों को दे देगा। तो यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाएगा, यहाँ पर नीचे के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और प्रोसीड कर दीजिए। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एक पासवर्ड सेट करना पड़ेगा, मैं अपना पासवर्ड सेट कर देता हूँ। दो बार सेट करने के बाद या फिर देखिए मेरा सेविंग अकाउंट डिटेल्स निकल आया, आप लोगों का भी निकल आएगा। देखिए अकाउंट होल्डर नाम पुष्पेंदु जैन, सेविंग अकाउंट नंबर मेरा नंबर है उसके पहले 91 है, और अकाउंट टाइप इंडिविजुअल है, और मेरा IFSC कोड भी यहाँ पर है PYTM01234 56। और यहाँ पर नीचे ऐड ए नॉमिनी कर सकते हैं, नहीं तो मत करिए, अब छोड़ दीजिए। और यहाँ पर अपना ATM कार्ड भी देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए अपना ATM कार्ड दिखा रहा है, यहाँ जाकर व्यू कीजिए और व्यू डिटेल्स। यहाँ पर भी जो अपना पासवर्ड पहले आप दिए थे वही पासवर्ड यहाँ पर देना पड़ेगा। ये देखिए मेरा पेटीएम का जो ATM कार्ड है वो निकल आया। तो मैं और एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप अगर पेटीएम में अपना आधार कार्ड रजिस्टर नहीं किए हैं और अपना पैन कार्ड नहीं रजिस्टर किए हैं तो फिर आप लोग इस पेटीएम बैंक में अपना खाता नहीं खोल सकते। हाँ दोस्तों, अब अगर आप लोगों ने ये दोनों चीज़ अपने अकाउंट पर रजिस्टर नहीं किए हैं तो फिर आप लोग अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। मैंने दोनों रजिस्टर किए थे इसलिए मैंने अकाउंट खोल पाया। आप लोग जल्दी से जल्दी इसमें लॉगिन कर लें और अपना पेटीएम का जो अकाउंट है वो खोल लें। इसके बाद पेटीएम इस पेमेंट बैंक में बहुत ही अच्छा अच्छा ऑफर छोड़ेगा, तो आप लोग भी उस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक था, थैंक यू।